हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है माधुरी एंड आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफी दही भल्लों की रेसिपी। इफ यू लाइक दिस रेसिपी, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। सो दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बोल में ले रही हूँ 2 कप उड़द धुली दाल। अब इसे 2 से 3 बार जो है हम पानी से इसको वॉश करेंगे। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है एंड अब इसमें मैं पानी डालूंगी। खुला पानी हम डालेंगे ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छे से इसमें भीग जाए, क्योंकि ये दाल जो है वो भीगने के बाद फूलेगी। सो देखिए, 4 से 5 कप के करीब इसमें मैंने पानी डाला है एंड इसे ढक कर अब इसे जो है ओवरनाइट अब हम सोक करेंगे। सो ओवरनाइट जो है मैंने दाल को सोक कर दिया था। ये देखिए क्वांटिटी 2 कप दाल थी एंड ये अच्छे से फूल गई है रात भर में। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पीसिएगा एंड पानी जो है वो हमें नहीं डालना है। ये जितना पानी दाल में सोक किया हुआ है उसी क्वांटिटी से ही हम जो है दाल को अब पीस लेते हैं। सो देखिए गाइस, मैंने ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर मिल गया है। अब हम इस दाल को 10 से 15 मिनट हमें इसे हाथों से फेंटना है। अगर आपको भल्ले जो है बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफी चाहिए तो ये प्रोसेस जो है, ये स्टेप जो है, ये मिस मत करिएगा। इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में इसे हमें घुमाते रहना है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि दाल का कलर कैसे चेंज हो जाएगा। जब तक हम दाल को फेंट रहे हैं तब तक मैं एक पतीले में पानी ले रही हूँ। खूब सारा पानी जो है इसमें मैं डाल रही हूँ एंड इसे जो है मैं एक बॉयल देने वाली हूँ। ये देखिए, क्रीम से जो है अब हमें वाइट कलर जो है दाल का मिल चुका है। तो एक कप में मैं पानी ले रही हूँ एंड बिल्कुल एक ड्रॉप जो है इस बैटर की मैं इसमें गेरूंगी। ये देखिए, अगर तो ये बिल्कुल नीचे बैठ जाता दैट मीन्स हमारे दाल को जो है वो और हमें फेंटने की ज़रूरत है, लेकिन ये देखिए ये फ्लोट कर रहा है पानी में, दैट मीन्स हमारी जो दाल है वो अच्छे से हमने फेंट ली है। अब इस दाल में हम डाल लेते हैं 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक, 1 से 2 हरी मिर्ची चॉप करी हुई, 1 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा, 1 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। इन सभी को अच्छे से जो है हम बैटर में मिक्स कर लेंगे। पानी जो है हमारा बॉईल हो गया है तो हम आंच को कर देंगे बंद एंड इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच के करीब हींग एंड इस पानी में जो है हम भल्लों को फ्राई करने के बाद सोक कर लेंगे। अब एक कढ़ाई ले रही हूँ एंड उसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, जिसमें हम भल्लों को जो है फ्राई करेंगे। कोई भी हमें इस टाइप का पॉलिथीन लेना है या दूध या थैली भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे इसमें थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे एंड अपना जो है भल्ले का बैटर रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से कुछ बादाम के हमने स्लाइसेस कर लिए हैं और 1 किशमिश मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया लगती है ये ड्राई फ्रूट वाले भल्ले एंड देखिए इस तरीके से हमें इसे कवर करना है। थोड़ा सा अपना हाथ गीला कीजिए, भल्ले को इस तरीके से अपने हाथ में लीजिए एंड तेल में डाल दीजिए। इसी स्टेप से हम जो है सभी भल्लों को तैयार कर लेते हैं। एक बार और मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इस पन्नी को करेंगे गीला, फिर रखेंगे अपना भल्ले का बैटर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम इसमें फिल कर देते हैं इस तरीके से कवर करके, भल्ले को उठाएंगे एंड तेल में डाल देंगे। अब जो है हम भल्लों को पलट लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया हमारा। जितना ज्यादा हम बैटर को फेंटेंगे ना उतने ही सॉफ्ट एंड फ्लफी हमारे जो है भल्ले बन के रेडी होंगे। जैसे ही हमारे भल्ले फ्राई हो जाएंगे हमें इमीडिएटली जो है इसे उस पानी में डालना है जो हमने बॉयल करा था। तो गर्म ही होना चाहिए पानी। लीजिए, हमारे जो भल्ले हैं बिल्कुल बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इसे मैं ऑयल से निकाल के ये जो पानी हमने रखा था हम इसमें डायरेक्टली डाल देंगे। लीजिए, इसे मैंने डिप कर दिए हैं। इसे आधे घंटे तक हम इसी में ही रहने देंगे और एक भल्ले का टेक्स्चर मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। देखिए कितने ही सॉफ्ट हैं ये। ये देखिए इसके अंदर का टेक्सचर। अब मैंने जो है भल्लों को पानी में सोक करके रखा है आधे घंटे के लिए
अब ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, भल्ले को लीजिए एंड इस तरीके से हाथों में प्रेस करके इसका एक्सेस पानी हमें निकालना है। सभी भल्लों को हम इस तरीके से पानी में से निचोड़ निचोड़ के साइड में रख देंगे एंड फिर अपने दही भल्ले रेडी करेंगे। अब मैं एक बोल ले रही हूँ एंड मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप के करीब दही एंड इसे मैं इस तरीके से विस्क की हेल्प से फेंट लूंगी एंड फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। एक कप के करीब मैं इसमें पानी डालूंगी। तो ये हमारी जो है एक लस्सी रेडी हो गई है। अब इसमें जो है मैं सभी भल्लों को सोक करके रख दूंगी इस तरीके से। ये पूरे इसमें डिप हो जाएंगे तो जो भल्लों में फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। इस तरीके से सोक करके भी आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम सर्व कर लेते हैं दही भल्ले। अब मैंने ले लिया है एक सर्विंग बोल एंड इसमें मैं डाल लेती हूँ बनाए हुए भल्ले। नीचे ऊपर से मैं डाल लेती हूँ फैटा हुआ दही। मैंने दही में थोड़ा सा पिसी हुई चीनी मिला के उसको अच्छे से घोल लिया है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच घर का बना हुआ मीठा सौंठ। अगर आप ग्रीन चटनी पसंद करते हैं तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा काला नमक, पिंच ऑफ व्हाइट सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर बहुत थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे एंड थोड़ा सा ही हम डालेंगे इसमें भुना जीरा पाउडर। थोड़ा सा मैं जो रायते वाली बूंदी होती है इसमें गार्निशिंग के लिए वो डाल रही हूँ एंड रख देते हैं जरा सा हरा धनिया। तो लीजिए गाइस, हमारे मार्केट जैसे सॉफ्ट एंड फ्लफी दही भल्ले एकदम रेडी हैं। इसे ठंडा ही सर्व करें। सो गाइस, आप भी इस रेसिपी को डेफिनेटली ट्राई करिए एंड शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। डू शेयर योर लव एंड सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।